बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर घेरते हैं। इस बीच एक खबर ने तेजस्वी यादव को दहला के रख दिया है। तेजस्वी ने एक ट्वीट किया है और सीधे तौर पर लिखा है कि देश के बेरोजगार नौजवानों को सरकार जो है दूसरे मुद्दे में फंस कर उनके भविष्य को खत्म करने में जुटी हुई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर। तेजस्वी ने लिखा है, बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है। देश के करोड़ों युवा अवसाद, गरीबी, अभाव और तनाव में जिंदगी गुजार रहे हैं। युवाओं को हिंदू, मुस्लिम, भाषा, संप्रदाय इत्यादि गैर जरूरी मुद्दों में उलझाकर सरकार अपनी विफलताओं और जिम्मेवारियों से बचना चाहती है। युवा वर्ग इनकी चाल समझ रहा है। जाहिर सी बात है कि सरकार जिस तरीके से बेरोजगारों को गैर जरूरी मुद्दों में उलझा रही है, इस बात को लेकर तेजस्वी यादव सरकार से काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए एक अखबार की खबर का हवाला दिया है, जिसमें एक नौजवान ने खुद अपनी जीवन इसलिए समाप्त कर लिया क्योंकि वो बेरोजगारी से परेशान था। इस खबर का हवाला तेजस्वी ने दिया है और सीधे तौर पर निशाने पर केंद्र और राज्य की सरकार को लिया है। तेजस्वी केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए करें कि जो केंद्र की सरकार है वर्तमान में, वो बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रहा है, उन तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। गैर जरूरी जो मुद्दे हैं उसे फोकस किया जा रहा है, युवाओं को उस जो मुद्दे में उलझाया जा रहा है, और युवा वर्ग जो जिनको नौकरी की तलाश थी, जो कई सालों से इंतजार कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, वो उन मुद्दों को छोड़कर सरकार के द्वारा गैर जरूरी जो मुद्दे उठाए गए हैं उसमें फंस रहे हैं और वो अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और यही वजह है कि कई ऐसे नौजवान जो लगातार पिछले कई सालों से मेहनत करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनकी बेरोजगारी दूर नहीं हो पा रही है, इस दिशा में वो सीधे तौर पर कई तरीके से तनाव से जूझ रहे हैं। और यही वजह है कि उनके बीच गरीबी भी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उनकी फौज लंबी हो रही है, परिवार में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है, और इन तमाम समस्याओं को देखते हुए वो मानसिक तौर पे कमज़ोर होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि वो अवसाद के चपेट में आ रहे हैं और वो इस तरीके के खौफनाक कदम उठा लेते हैं। ऐसे में सरकार, जाहिर सी बात है कि ज़रूरत है देश के बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। जो ज़रूरत के मुद्दे हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा है, इन मुद्दों पर सरकार को बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार इन मुद्दों से खुद को बचाए रखना चाहती है। सरकार अपनी सरकार की नाकामियों को बचाने के लिए इस तरीके के गैर जिम्मेवार वाले जो मुद्दे हैं, जिसमें कि जो युवा है वो पीस रहे हैं, कई तरीके के जाति और धर्म के बंधनों में बढ़ जाते हैं, धर्म और मजहब के नाम पर धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं, ऐसे मुद्दों को उलझाकर जो बेसिक समस्या है सरकार उस पर पर्दा डालना चाहती है। लेकिन देश के जो नौजवान हैं वो अब समझने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि देश के नौजवानों को अब समझने की भी ज़रूरत है कि बेरोजगारी को दूर करने वाले मुद्दे सामने खड़े होने चाहिए, ना कि कोई अन्य मुद्दा। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, इसके बाद बिहार की जो सरकार है उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने तंज कसा। देखना है कि तेजस्वी यादव के इस सवाल पर क्या कुछ सरकार की तरफ से सफाई आती है, या बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से मुद्दे पूरे देश में उठ खड़े हुए हैं उसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ घोषणा की जाती है, क्या नौकरियों को लेकर या नौजवानों के रोजगार को लेकर या जो अब तक वैकेंसी नहीं हो पा रही है उसे लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, वो देखना होगा। साथ ही साथ इस गुस्से का आलम देश के युवाओं पर क्या कुछ होगा ये भी देखना होगा, या फिर यह केवल सियासी एजेंडा बन के रह जाएगा, या नेताओं का वो जुमला बन के रह जाएगा जिसमें बेरोजगार जैसे बुनियादी जरूरत की मांग होती रही है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी।
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।